नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार और आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू डाउनलोड एंड ऐड विजुअल बेसिक पावर पैक्स इन विजुअल स्टूडियो टूल बॉक्स। जो हमारा विजुअल स्टूडियो होता है उसके अंदर हमें पावर पैक ऐड करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये विजुअल स्टूडियो है हमारा, ठीक। इसमें जैसे हम टूल बॉक्स में जाएंगे तो जो ये टूल बॉक्स में हमारे टूल्स के टैब्स हैं, कलेक्शंस हैं, इसमें विजुअल बेसिक नहीं है अभी कहीं भी। विजुअल बेसिक पावर पैक कहीं भी नहीं है। उसमें क्या होता है, शेप्स होती हैं बहुत अच्छी अच्छी, जिनसे हम बहुत अच्छी विंडो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं विंडो में अच्छी अच्छी। तो वो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें विजुअल बेसिक पावर पैक डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में, ठीक है ना। ब्राउजर आप खोल लीजिए कोई भी, ये लीजिए, और यहाँ पे लिखिए आप डाउनलोड विजुअल बेसिक पावर पैक, ठीक है, ये देखिए। और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करें, ऑथेंटिकेटेड होता है, ये लीजिए। ये ऐसे आपको यहाँ मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक पावर पैक्स 3.0, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा। आप डाउनलोड पे क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा। मेरा डाउनलोडेड है ऑलरेडी और इंस्टॉल भी किया हुआ है मैंने, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाए, आप आराम से जहाँ आपके डाउनलोड फोल्डर हैं आप वहाँ जाइए और ये आपको ऐसे मिल जाएगा आपका सेटअप विजुअल बेसिक पावर पैक। और फिर उसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके उसको आप इंस्टॉल कर लें। सिंपल स्टेप्स होंगे, फॉलो करते जाइए, इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे उस पर। वो इंस्टॉल होने के बाद फिर आपके क्या प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है, जैसे कि मैंने प्रोसेस सारे लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लिया, फिर टूल बॉक्स में जाना है, फिर आपको टूल बार पे क्लिक करना है, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे आ गए टूल बॉक्स में, टूल बॉक्स में आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड टैब पे क्लिक करिए और उस टैब का नाम आप रख दीजिए विजुअल बेसिक पावर पैक, ठीक। ये मेरा एक टैब ऐड हो गया टूल्स का। अब जबकि आपका टैब ऐड हो गया, आप राइट क्लिक करिए और चूज आइटम्स पे चले जाइए। ये आपको पूरे आपके जो .NET फ्रेमवर्क के जितने भी कंपोनेंट होंगे उनको ऐड करेगा। यहाँ पे आप फिल्टर में जाइए और पावर नाम से आप सिलेक्ट करिए, और जितने भी आपको पावर नाम से जो जितने भी इनको चेकबॉक्स पे इनके टिक कर दीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके ऐड हो जाएंगी, ओके। ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, जो कि आपको उसमें तो मिल जाते हैं वेब डिज़ाइनिंग में, पर विंडो में नहीं मिलते। तो इसलिए आप यहाँ पे डेटा रिपीटर, लाइन शेप, ओवल शेप, रेक्टेंगल शेप, तो इस तरीके से हम कैसे डाउनलोड करेंगे हमारा विजुअल बेसिक पावर पैक और उसको अपने विजुअल स्टूडियो में कैसे हम ऐड करेंगे, ये हमने देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक विजुअल स्टूडियो और दूसरी टेक्नोलॉजी सी शार्प वगैरह .NET की और चीज़ों से भी लेके मैं आता रहूँगा। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।